नमस्कार। कीर्तिज किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति। आज मैं आप सबके साथ एक रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बिरयानी मसाला पाउडर। बाजार से जो आप बिरयानी मसाला लाते हैं उससे कहीं गुनी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ये बनके रेडी होगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बिरयानी मसाला पाउडर। सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो देख लीजिए। इसी स्पून से मेजर करके मैं दिखाऊंगी ताकि आपको मेजरमेंट में कोई दिक्कत ना हो। इसी स्पून से 4 चम्मच धनिया लेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, फेनेल सीड्स इसे बोलते हैं, 1 स्पून काला जीरा लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, देख सकते हैं आप। काला जीरा 1 स्पून, 1/2 चम्मच काली मिर्च लेंगे, आप चाहे तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं, और थोड़े से 10-12 लौंग लेंगे, ये है जावित्री 2-3, इसके साथ 10-12 हरी इलायची लेंगे, और ये बड़ी वाली इलायची है 4-5, इसके साथ ये चक्रफूल है 3, दालचीनी के टुकड़े 2, जायफल 1/4, जायफल का बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, 1/4 हिस्सा ही लगेगा, देख सकते हैं आप। इसके साथ ये स्टोन फ्लावर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 चम्मच के करीब हम लेंगे, और ये पिपली बोलते हैं इसे, लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं, ये 2 चाहिए हमें। मैं स्मॉल क्वांटिटी में दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसे डबल या ट्रिपल करके ज़्यादा बना सकते हैं बिरयानी मसाला पाउडर। इसके साथ 2 तेज़पत्ता हमें चाहिए। अब चाहिए हमें ड्राई किए हुए अनारदानों का पाउडर, 1 चम्मच लिया है। आप अगर आपके पास साबुत अनारदाना है तो आप ले लीजिए वो। अब क्या करेंगे, पैन गरम करेंगे एकदम स्लो फ्लेम पे, और इन सारी चीज़ों को पैन में डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे 8 से 10 मिनट तक। एकदम स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है इस तरह चलाते हुए, ताकि सारे मसाला अच्छे से भुन जाए और एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। आप अभी देख सकते हैं ये कितना कड़क हो गया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, और इसी टाइम पे हमने जो अनारदाना पाउडर लिया था वो डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राइड अनारदाने साबुत हैं तो आप उसे मसालों के साथ भून लीजिए। मेरे पास पाउडर था तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं लास्ट को ऐड किया। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एकदम कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद एक ग्राइंडर जार में इसे डाल देंगे और इसे महीन करके पीस लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पाउडर बन के रेडी है। इसे आप कम्प्लीटली कूल डाउन करने के बाद एयर टाइट जार में रख के 1 महीने से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।